वी फोर द मैक्सिमम हाइट अटेन by द बॉडी इज इक्वल्स टू तो कैसे हमें क्या दिया है हमें बताया है कि एक बॉडी को फायर किया गया इस velocity से जो कि हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा है और एस्केप velocity से कम है किस पर एक एंगल पे? अर्थ रेडियस से 30 डिग्री के एंगल पे इसको फेंका गया और हमें वो बताया है कि जो highest पॉइंट है वहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो वी फोर हो गई तो हमें बताना है कि इसने जो मैक्सिम हाइट अटेंड की होगी वो कितनी की होगी तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ये जो वेलोसिटी हमारी दी हुई है रूट जी आर जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं वो एक्चुअली हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जब हमारी सेटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाली होती है अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी हम अपनी सेटेलाइट को दे देते हैं तो हमारी सेटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में ना रिवॉल्व करके एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाती है जो कि कुछ ऐसी दिखती है यहाँ पे हमारा अर्थ होती है और इधर हमारी ऑर्बिट रिवॉल्व करती है तो यहाँ इस केस में ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारी जो सेटेलाइट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो इस फिगर में हम देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो हमने यहाँ पर उसको शूट किया फायर किया फिर ये जाएगा और एक इलिप्स बनाता हुआ यहाँ से निकलेगा और फिर ऐसे आगे बढ़ जाएगा तो ये जो पॉइंट है वो हमारा ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हमारी जो बॉडी से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे सेटेलाइट रहती है हमारे प्लानेट से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जो सेटेलाइट रहती है वो ये पॉइंट है अब यहाँ से हमें पता है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो जो वेलोसिटी होती है वो हमारे इस सेपरेशन के परपेंडिकुलर हो जाती है अब हम आगे देखते हैं हमें सेटेलाइट मोशन के बारे में एक और चीज़ पता है प्लानेट्री मोशन के बारे में एक और चीज़ पता है कि इसमें जो हमारा मोमेंटम रहता है एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो हमेशा कंजर्व रहता है तो हम यहाँ पे सिर्फ यही एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कहाँ कहाँ पे एक इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर हम ये लगा दें तो हमारे पास वेलोसिटी का कंपैरिजन तो है ही तो हमारे पास हाइट का कंपैरिजन भी आ जाएगा तो हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम एट दिस पॉइंट इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट वन इसको नाम दे देते हैं पॉइंट टू तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट वन तो हमारे जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी और आर परपेंडिकुलर यहां जो आर परपेंडिकुलर है उसका मतलब है कि ये जो हमारी वी है और जहां से हम लॉन्च कर रहे हैं उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम कैसे निकालेंगे ये एंगल थर्टी तो ये एंगल भी हमारा थर्टी हो जाएगा ये हमें पता है कितना है आर तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर साइन थर्टी तो हम पुट कर देंगे तुम्हारा जाएगा एम वेलोसिटी हमारी वी दी है आर और साइन थर्टी डिग्री ठीक है अब हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट टू तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट टू हो जाएगा सेम फॉर्मुला एम वी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर हो जाती है हमारी वेलोसिटी तो हमारा आ जाएगा एम वी डैश अब जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आर प्लस एच आर प्लस एच और हमने यहाँ पे साइन थीटा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये हमें पता है कि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर होते हैं ठीक है अब जैसा कि हमने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो हमारा एल वन इक्वल्स टू एल टू हो जाएगा तो हम पुट कर देते हैं एंगुलर मोमेंटम एट वन एजिक्वल टू तो एंग्लो मोमेंटम एट टू तो हमारा हो जाएगा एम वी आर साइन थर्टी डिग्री एजिक्वल्स टू एम वी डैश आर प्लस एच जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एम से एम कट जाएगा ठीक है और आंसर आएगा साइन थर्टी की वैल्यू पुट कर दो टू वन बाई टू तुम्हारा हो जाएगा वी आर वाई टू इज इक्वल टू वी डैश आर प्लस एच ठीक है और हमें दिया हुआ है कि जो हमारी वी डैश की वैल्यू है मतलब उस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो हमारी हो गई वी वाई फोर तो वो भी हम पुट कर देंगे तो वी आर वाई टू इज इक्वल टू वी वाई फोर आर प्लस एच तो यहाँ से वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा और टू से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आर इक्वल टू हाफ आर प्लस एच जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा एच इक्वल टू आर तो हमारा आ जाएगा कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा होगा आर डिस्टेंस पे तो हम मैच कर लेंगे कि हमारा आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है ये हमारा ऑप्शन B से मैच कर रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर